आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश भट्ट, आप सभी लोगों का भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन आपके बीच सुसाइड यानी कि आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर आया है, और आप सभी से मेरी आज गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप पूरी संवेदनशीलता के साथ देखें, सेंसिटिविटी के साथ देखें, और उन लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उनके अंदर सुसाइड से रिलेटेड थॉट्स हैं, या जिन्हें आप जागरूक करना चाहते हैं सुसाइड के बारे में। और आज की चर्चा के लिए हमारे बीच हमारे जो दो एक्सपर्ट हैं, जो कि स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर पूनम शर्मा, शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंसेस, MAT यूनिवर्सिटी मुंबई। शी इज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो डॉक्टर पूनम है, शी इज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BCPA एंड हैज 12 ईयर एक्सपीरियंस इन वेरियस डेवलपमेंटल एंड एकेडमिक फील्ड्स विथ स्पेशलाइजेशन इन ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग। डॉक्टर शर्मा हैज कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थ्रू काउंसलिंग ट्रेनिंग, रिसर्च, असेसमेंट टूल्स एंड मॉड्यूल्स। शी हैज वर्क फॉर 5 years with Tata Institute of Social Sciences and also worked as a counselor and project manager in targeted intervention program towards HIV/AIDS awareness and prevention. She is certified trainer and supportive supervisor in the field of HIV/AIDS with specialization in session related to counseling high risk group and mental health related issues. She was invited to University of Nova Gorica, Slovenia, to present the findings of her online project on counseling skills for teachers developed under UNESCO Open Education for Better World Program 2018 और 19। आज जो हम बात करने वाले हैं सुसाइड के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग ऐसा कहा, एक डेटा कहता है कि लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, और इसमें से लगभग 17% इंडियन है। और ये देखा गया है कि भारत में जो सुसाइड का रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो सुसाइड है आजकल भी और बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण से लोग सुसाइड करते हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं, सुसाइड करते समय क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल लेवल में क्या चेंजेस होते हैं, इन दोनों के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट है। तो मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर पूनम शर्मा को कि वो इस सेशन को स्टार्ट करें अपने संबोधन के साथ। वेलकम डॉक्टर पूनम। या थैंक यू राजेश, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट BCPA हैज टेकन अप दिस वेब सीरीज, एंड वी आर गोइंग अहेड विद टेकिंग अप वेरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड एंड यूटिलाइजिंग इट दैट पीपल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू नो साइकोलॉजी स्टूडेंट, साइकोलॉजी टीचर्स एंड काउंसलर्स एंड इवन ले पर्सन्स हु फील दैट सम लेवल ऑफ नॉलेज दे रिक्वायर इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ कैन be part of this. In this today's topic, we will be talking about how we can assess suicide and what can be the best response toward the suicide. So from the point of view of a counselor, psychologist or a common man, how they can assess it and how they can respond to it. All these things will be taken in current session. So sorry, Rajesh and Ashutosh, I would like to say Dr. Chetan has joined. So if you want to introduce him. Okay, definitely. Yeah. Welcome Dr. Chetan, और आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो सुसाइड के ऊपर है, और मैं अपने जो पहले हमारे जो स्पीकर है उनका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, और मैं अब आपका इंट्रोडक्शन अपने जो हमारी ऑडियंस है उनसे कराना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल। डॉक्टर चेतन विस्पूते इज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर प्रैक्टिसिंग इन नवी मुंबई विथ मोर देन 8 ईयर एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री एंड सब स्पेशलिटीज ऑफ एडिक्शन मेडिसिन, न्यूरो साइकेट्री एंड चाइल्ड साइकेट्री। ही हैज कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएशन MD इन साइकेट्री फ्रॉम द प्रेस्टिजियस सेठ GS मेडिकल कॉलेज एंड KM हॉस्पिटल मुंबई। Dr. Chetan Vispute has also secured the
DNB Psychiatry degree from National Board of Examination, New Delhi, and is member of National Academy of Medical Science. He has proficiency and expertise in dealing with adult psychiatric disorders, alcohol and drug addiction, treatment and handling psychological problems of childhood. Somnus Clinic was started in Navi Mumbai with a vision to provide comprehensive neuropsychiatry service under one roof. The Somnus Clinic has been promoting mental health as a part of social initiatives and firmly believes in the biopsychosocial approach toward mental illness and psychological problems. He is also working as a consultant neuropsychiatrist at Institute of Psychological Health, Thane. He is associated as assistant professor at the Department of Psychiatry, Dr. D.Y. Patil Medical College, Navi Mumbai. So welcome you, sir. और अब हम अपने सेशन को आगे स्टार्ट करेंगे और अभी हमने पहले की स्पीकर के तौर पे डॉक्टर पूनम को हमने बोला है स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद आपका सेशन होगा और लास्ट के जो 20 मिनट्स होंगे उसमें हम अपने जो ऑडियंस हैं जो साइट को लेके उनके जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनको लेंगे और आप दोनों से उस समय रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके आप क्वेश्चन का आंसर दें. सो पूनम. Yeah, thank you, Rajesh. Yeah, welcome, Dr. Chetan. So, I will just give you brief ki isse pehle, I just told that the topic for today is suicide prevention, then how you can assess it and then responding to it. So, how I will be going ahead with it, I will be taking a what. What is suicide? Then who is doing it? Then why? Why it is done means what are the various factors which can lead to suicide, then how to respond to it, then in responding we will be talking about that response, how as a layman you can respond to it, secondly how as a psychology professional, social work professional or any professional who is in the field of social work can respond to it, then how the suicide prevention and intervention at clinical level can be done, like a clinical management of suicide when the patient is going to a psychiatrist, that will be taken by Dr. Chetan Viswute. So first in our session I would like to start with the identifier, that in Indian movie or Bollywood movies you might be going across many songs which depict. So the basic assessment, if you want to go ahead with it, starts from the songs. If you listen to the Bollywood or many songs which indicate toward it, so one of the song which came into mind is na koi umang hai na koi tarang hai meri zindagi hai kya ek kati patang hai. So each and every word of this line can be a good assessor of a person who is displaying suicide ideation or is thinking about committing a suicide. Okay, so assessment part we'll take later. So first we'll talk about what it is. Actually, suicide hai kya? So if you see that definition of suicide, if we say that it is taking one's own life, is what suicide is. Okay, and there are suicide is amongst the 10 leading cause of death amongst people in the world. So some data I will be telling you about it. So before we go ahead with more details of suicide, so if you see suicide jo hai 10 sabse bade major causes mein se aata hai jo people logo ki life leta hai. Aur suicide jo hai various logon ke age group mein alag alag tarah se dekha gaya hai. So when we will talking about who commit suicide, we will be talking about how age, it, how gender comes into light, how various socio-economic factors come into light. So what suicide is, we all know ki taking one's life. So then why people are taking one's life? So if you say usually we talk about people are taking their own life, it's not true. So suicide is actually taking out the pain the person is having. So person does not want to end the life. Basically, in suicide, person wants to end the suffering. Person wants to end the pain. Person wants to end the hopelessness the person has. It's not the person want to end the life. And usually we feel that suicide is taking one's life. So see, there is a hope in suicide.
So in suicide, what the things person is thinking, the person is not able to think about the alternatives. The person is not able to think about the options. The person feels that this is end. So here, where you are thinking about suicide, when you know what actually person wants through the suicide, when you take up that thing, then actually you are working to prevent the suicide. So in suicide, there are some important points or levels. So first, it's not that every person who thinks about suicide will be committing it. But it's also not that a person who is thinking about suicide will never commit it. So our job is not to analyze ki ye bol raha hai, but ye kabhi nahi karta hai. Our job is just to take every bit of word of a person which we feel that can be, you know, indicating towards suicide. So in suicide, there are various levels which have been decided or various things we talk about. Like first comes the suicide wish, death thinking, thinking about death. So here person is not, you will feel that person is, what is death thinking? That person is not telling you that the person is hopeless or person wants to commit something, but just person thinks that death should come to the person. Okay, in any way. कि कहीं भूकंप है तो वो भूकंप में मर जाए, कोई बीमारी है तो बीमारी से मर जाए. बट द पर्सन हियर इज नॉट थिंकिंग और विल नॉट बी गिविंग यू क्लू दैट पर्सन वॉन्ट्स टू डू इट. पर्सन इज इंडिकेटिंग थ्रू दीज थिंग. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुसाइड, वी विल बी यू नो दीज असेसमेंट पॉइंट ऑल्सो वी विल बी कमिंग अंडर इट, विच विल इलेबोरेटली टेकिंग इन द नेक्स्ट लेवल ऑल्सो. सो सेकेंड कम्स इंटेंशन. ठीक है, so now the person is actively thinking about it ki I think I should do something to harm myself. So that is suicide ideation. So death, wishful death here is gone, now suicide ideation has come. Now here person is thinking in the mind. So this is the second level ki ha, I think I should end my life. But now here person is not thinking about that how the person is going to do it. That is the next level. The next level is when person is acting upon it. Now the person will be talking about, I think I should take out my life this way. But still the person is not taking one's life. Okay, now the ways person is thinking about. So when we are thinking about ways, so we must think about, there is data prevalent of various genders and various age, and that's very interesting data. So you will see that gender wise how people take out their life is also differs. So worldwide, if you say that females take more of drugs ingestion to take out their life, and if it comes to male, they take more lethal methods to take out life, like gunshot, which will surely lead to a completing a suicide. Whereas females, you will see that their attempts will be more, completed suicide rate will be less. Whereas in male, attempts will be less, but the completed suicide rate will be high. But another interesting factor here is that in India, Finland, the data is reverse. So in India, if females, you say, date of complete this data of completed suicide is more than data of completed suicide in male. So this demography also is very important and interesting to be taken into account. So worldwide, Western countries, where females are attempting more suicide and completing rate is more in male, but in India, females are having more. This data, what data is saying, you may come across various data. This is what I have taken from WHO and other agencies which says about it. So then third is intention. We were talking about intentions. कि अब उसमें intentions आ गई हैं, and then the person is thinking about ways. And in ways, we have talked about that it depends on person. There are various researches related to gender-wise, like how a person, most probable way a person can commit a suicide. Then age-wise also it is prevalent. It is prevalent of prevalence is, ways of committing is also dependent on the availability. So a lot of work is done on the availability. So making the things non-available
which can lead to suicide. So WHO has come up with a complete guideline that how pesticides. So if you see availability of pesticide is quite a lot in farmer, have very easy availability for the farmers. And then in home also earlier we used to have lot of pesticides just to keep in our dals, chawals and all. So restricting their availability to the normal population is also another step. Then if you say that availability is then how people commit suicide, it depends on availability, depends on various other demographic factor. Now coming to actual committing the suicide. So in actual suicide committing, you will find that there are attempts. It is very important to understand attempts, and it is also very important to completing of a suicide. So a person who have actually completed the suicide most probably would have made at least 10 or 15 attempts before actually the suicide was completed. So it is not that it is day before I thought about suicide and then I committed it. And many time people mistaken it that are hame to pata hi nahi chala, we didn't know that this person is going to commit suicide. But if you take history of a person, you will find that through various means, through various words, through various behavioral predispositions, various things a person has talked about or given hints about it. So these hints we will be taking up later. So what is suicide? There are various types of intentions, death, wishful thinking we have talked about. Then we'll talk about why. Why and who commit the suicide? So in coming to this, who commits the suicide? So why this question is important here? Can anyone tell me why it is important? Who? You might be thinking anyone can commit the suicide. Or you might be thinking only insane people commit the suicide. Or people who have some type of disease, disorder or mental health problem, they might be committing the suicide. So this is very important to understand who commits the suicide. So if you see the data, so earlier it was thought that from 25 to 44 year of age, people were more prone, you know, predisposed to commit suicide. And 25 to 44 year was the age where maximum reported suicides were coming to the light. But the trends have changed in recent years. If you see now, the age group from 14 to 24 is the maximum where suicides are taking place. It may be because of various factors like academic pressure. At this point of time, there are a lot of, you know, adolescent factor. There can be predisposing factor like introduction to the drug, introduction to the, alcohol abuse, introduction to the peer pressure, and breakups are there, academic pressure is there. So because of all these changing trends, the change in suicide trends also has been seen. So who is committing suicide is important to understand, you know, to prepare our response, to be prepared, you know, to whom we have to be taking care of much, so that these the suicide is, the probability of suicide can be reduced. So age group of 14 to 24, we have talked about, is really, really very important to be considered. Then after that comes 25 to 44 year age group, because here persons have started, then there will be a lot of job pressure, family pressure, all these things will be there. Then after that, who commit suicide? Older population. In elder population, if you see, usually in elder, you will find that the person who has, predisposing condition of any disorder, disabling condition, depression is the major cause. The person who is in old age, who can have suicide, depression, despair, widowhood, separation. If the person is living in these conditions, then the person who is in the older stage is prone to it. Otherwise, if person is in a satisfying stage of elderhood or old, then the probability is very less. So you have to think that these age groups are important. Now coming to gender, as I have told you, in gender wise, I have already told you females attempt more and males attempt less, but completed is more. But that also differ from country to country. So you have to be very clear that which country, which data you have to be concentrating more on.
So then after this, there are misconceptions related to children. So what happens, though there is very less prevalence of suicide among children below 14 year of age, but you cannot say that it is negligible there. So what sometimes what we do, we feel that are children unko to kuch samajhta nahi hai, they don't understand anything, then why they will commit the suicide? But it's not like that. So we have to take our children seriously. So usually it is found that the children who have undergone abuse or who have lost their parents, so parental loss and abuse are in the children below the age 14 years. So children, though the prevalence is low, you have to consider this, but it's not that it will never happen. So if you are seeing any indications in children also, that has to be taken seriously. Then this is, we have talked who commit the suicide. Apart from that, in who comes the conditions where a person which are along with the person's individual identity, which may lead to more suicide ideations and behavior and also attempt to suicide, such as existence of mental disorders. So along with a normal person, you know, who has a probability of come, everyone once in a lifetime may have think कि अरे कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, क्या करूं. दीज आर द नॉर्मली वी माइट हैव थॉट, बट इट्स देयर इज नथिंग एबनॉर्मल इन दैट, क्योंकि हर टाइम समटाइम वी कम अक्रॉस वेरी वेरियस सिचुएशन कंडीशंस व्हेन वी फील दैट अरे ये कैसे खत्म होगा, बहुत प्रेशर है, समवन हैज डाइड इन बिरेवमेंट. सो इफ यू हैव लॉस्ट समवन वेरी डियर टू यू, देन मेनी टाइम एट दैट वेरी मोमेंट यू फील अरे उसके साथ हम भी चले जाते. सो दैट thinking is at that time. So aisa nahi hai ki hum, you know, if we are normal, then we don't ever think about it. It's quite normal to think about it when we have existed, we are exploring our existence. If we feel that life is meaningless, that is very intellectual thing we are doing, and everyone is doing it at their level, but it doesn't mean we are taking out our life. But when this becomes intense, has to be taken care of. So here I will do. So in who, the next point was mental disorders. So it is found that depression increases the probability to 50%. एक मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि बीच बीच में आवाज ड्रॉप हो रही है, तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक तो वो अपने माइक को अपने म्यूट कर लें, दूसरा अपने वीडियो को भी आप म्यूट कर लें, ताकि जो डॉक्टर पूनम की आवाज हमारे पास साफ तरीके से पहुंचे. तीसरा, चैट में अगर आवाज नहीं आ रही है तो उससे रिलेटेड केवल इन्फॉर्मेशन डालें, कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे आगे उससे रिलेटेड डालें, बाकी उसमें अभी अपना नाम वगैरह ना डालें, ठीक है. तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो को आप पॉज कर लें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें, और अपने वॉइस को भी म्यूट में रखें. कंटिन्यू डॉक्टर पूनम. राजेश, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you now. The voice because it's showing your speaker is not working to me. I don't know. Okay. But now? It's clear. Yes, yes. So your voice is clear. My voice is coming. I don't know why it is saying this to me. Okay. Yeah. So who, in who, the next step is mental disorder. If you feel that someone is having existing psychological illness or mental disorders, it can be anything. It can be schizophrenia, anxiety, depression, or it can be mild or severe level. That also has not to be ignored. So who is more higher chances if someone, and there are different levels. So if someone has depression, that person has more chances of committing or attempting suicide than any other mental illness, such as schizophrenia. It is reduced as compared to depression. Anxiety, it is reduced further. But depression, and then secondly, substance abuse and alcohol. This also increases the probability of committing, of having suicidal ideations and you know, thinking about suicides or attempts as compared to other disorders. So in who, mental disorder is very important. Then coming to the, so these are psychological, and always remember, suicide has mostly psychic pain. So psychic pain is the pain which you are feeling in, you know, and you are feeling because of psychological hindrances the particular situation is creating to you. Okay,
So usually, and the first most important thing, person always remember, person want doesn't want to end life. Person wants to end pain. And every, I think we all can work to reduce that pain. Pain can be because of various reasons. Now, yes, coming to that other who commit suicide, then the person who have varied socio-economic conditions. Socio-economic conditions you cannot ignore, such as the developing nations where there is poverty, where there is inequality, where there is violence, where there is, you know, if you say that current socio-economic, current situation, physical environmental situation which we are living in is also posing threat to a person who already have predisposition toward the suicidal thing. Hello, can anyone, you hear me? Hi, Rajesh. Yes, Poonam, continue. Yeah, okay. Yes. So current situation, the lockdown situation, if you can see, can also contribute to it. So apart from your psychological factors, then existing conditions, the environmental factors also play a role. Your age demography, your gender demography, all are or can contribute toward having suicide ideation or may lead to the suicide attempts. Then the factors like academic pressure, they all are not within you, but they are given by the society to you. Then who else is more prone to it? So your family relationships, the type of family you are living, how your parents are, you know, posing the things to you. And the most important thing is how resilient you are. So the person, if you are less level of resiliency, then you will be not able to see the alternative and you will not able to bounce up back from that situation. So these are important factors if we talk about who can commit the suicide. Then we will talk about why it is committed. So in why it is committed, there can be biological reason for it, there can be social reason for it, there can be psychological reasons for it. Okay, so in biological reason, the levels of serotonin plays a great role. So reduced level of serotonin usually are found, you know, they may increase the impulsivity in the person. And secondly, reduced level of serotonin also play role in depression. So this is how biological reason, and there can be other reasons also. Long, distressful, being in long distressful situation can also lead to it. Secondly, being in a condition which is making you disabled to commit day-to-day life can also lead to this. Then, there are factors which can lead to the suicide ideation and lead to the behavior. Usually have two things. Number one, hopelessness. Number two, lack of options you have for it. Number three, that the situation will never end, immediacy. So if we work on all these three things, we can actually work on preventing the suicide. So here we have just talked about the concept, what is basic concept of suicide, then who are more prone to the suicide and what can be the various factors leading to the suicide. So now we will talk about how you to respond, how you can respond and how you can assess that person can be having suicide ideation. So first of all, I will be talking about some myths which we have about suicide. So first, so we think people who talk about suicide won't really do it. So many times what we feel that someone is he or she just always talks about but never commit suicide. But usually you will find that statements like, you will be sorry when I am dead, I can't see any way out, no matter how casually or jokingly said, may indicate serious suicidal feeling. Then second false notion can be, anyone who tries to kill him or himself must be crazy. But that's not true. Then, if a person is determined to kill himself or herself, nothing is going to stop them. It means that person has decided. So
I don't think so people can do much about it. Then people who commit suicide are people who were unwilling to seek help. But if you see that studies of suicide victims have shown that more than half had sought medical help in the 6 months prior to their death. Then talking about suicide may give some idea. So many, you will find that many people, you know, still in our practice, and many adults and many mature people also still feel that if we talk about suicide, ki are beta tum soch to nahi rahe waisi koi cheeze, it will give idea to the person. But that's not true. You don't give a suicidal person morbid ideas by talking about suicide. Whereas opposite is true. So bringing up the subject of suicide and discussing it openly is one of the most helpful things you can do it. But it's not that you have to. So you have to see individual to individual how you can talk to a particular individual at that level. So here we'll be discussing about basically how, what type of questions we can ask, you know, if we have to assess a person about the suicide ideation. So there are levels of it. That people who commit suicide are coward. Okay, so this is another notion. Are tum to brave, be brave. So usually what we say, are be brave, aise to sabke saath hota hai. So all these are things we are commonly using, and this is a myth that a person who is committing suicide is a coward. Okay. Then I will be talking about examples of questions to ask. So assessment, how you can, first of all, how you can assess. So as I told you in my last, in my opening line only, na koi umang hai, na koi tarang hai, meri zindagi hai kya, ek kati patang hai. So first of all, you have to look for the cues. So if you say that most of the people would have given you these cues, you have to identify, and pick those cues. So what, I'll give you an example. So now take a case study, or take my example only. If I say ki pata nahi, I think ki, I don't think I would be able to work on it, I am having, you know, I would want to end everything. So here in this line I am indicating through various words that I don't want to live, or there is certain type of hopelessness. But how you will talk to a student who is saying, "Man, mere se nahi ho raha." Student may be saying just a simple line, "Mere se nahi ho raha hai." So you, this is up to you how you are going to respond on that. So here, if someone is saying, "Mere se nahi ho raha hai," and you are just saying, "Kahin suicide karne ka to man nahi kar raha," so it's not like that. You have, when talk about suicide, doesn't mean that talk about suicide in such a plain, simple language. You can start with the level the person is saying, you can start with the same level. So in identification, if you feel that someone is giving you hints, okay, and how those hints you have to take, as I told you, the words. If words are pessimistic, okay, if words say kal se to main rahunga nahi, so these are giving you some hints. So questions, you can ask questions like, do you feel that there is a hope that things will improve? ठीक है, किसी ने आपको बोला मेरे से नहीं हो रहा है, so what you will not ask, कि अच्छा तो सुसाइड करने का मन तो नहीं कर रहा. So here you will start systematically, but you have to assess it. Even as a common person, you can do it. It doesn't require that a counselor is needed here or a psychologist is needed here. It can be done by anyone. The child is coming and saying, "Mummy, मुझे नहीं हो रहा है, और पापा नहीं हो रहा है." So how you have to go about it? So first question, do you feel that there is hope that things will improve, or do you feel hopeless? Then you can say, on a scale of 0 to 10, if 10 is most hopeful and 0 is most hopeless, how do you feel nowadays? ठीक है, तो अभी आपको, मेरे को बताओ, अभी आप बोल रहे हो मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 0 से 10 में बिल्कुल नहीं हो रहा है को आप किस लेवल पे डिफाइन करेंगे? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट, एंड वेरी इंट्रूडिंग क्वेश्चन टू टेक यू कि एक्चुअली व्हाट द पर्सन और
is your child or the person who is going ahead with thinking this negative thinking, what the person is going through. Then you can also ask, in the last 2 weeks, so have you wished that death comes your way, or your life would end, or you were no more? Okay, that is the next level. Then your duration, you can decide. It's not that always you have to talk about 2 weeks. You can say, "Acha pichle 10 din mein kab se tumhe, how you were feeling about it." Then, in the last week or so, have you thought of doing something to end your life? Okay. Then the first, it depends on. Agar tumhara first question ka answer hope hai, then you will not go ahead with more questions. But if you see yes, it is prevailing, then you keep on going with these levels. Then, could you tell me specifically what kinds of thought have been coming to your mind regarding ending your life? So now you are exploring the thoughts. It will give you idea ki abhi wo usne planning kis level se shuru ki hai. It is only thought, or the person has thought about the ways also. Then, when you get these thoughts, how long do they generally last? Okay. Then you are checking the intensity and frequency of the thought. Uske baad, how often do you get these thoughts? Have you been thinking of a method that you might use to end your life? Have you been planning how you might do this? What kind of methods you have been thinking about? So why you have to explore the method? To check the lethality of the method the person is going to use. Check the availability of that particular method. Agar koi bol raha hai ki main gun se, I just want to shoot off my head with the gun, then you will see kya gun ka availability hai usko. Can the gun be can be available? Or agar koi bol raha hai pesticide kha ke, so it means you can see that level ki kis level ka availability person ko ho sakta. It shows the urgency of the situation, whether it is a crisis situation or the situation can be handled, you know, in a more milder way. What do you do when you get these thoughts? Now you are thinking about that, whether the person is trying to go away with the thoughts or devising ways, and person is aware ki nahi mujhe isse bhag karna chahiye. Have you ever done anything to harm yourself? Now you are talking about attempt. Kya kabhi pehle attempt kiya hai usne? Then have you ever told anyone that you have been feeling suicidal? So now the last question is, have you ever told anyone that have been feeling suicidal? Means now you are checking the available support system of the person. Person bolta hai, haan, maine apne friend ko bataya, maine likha, maine kisi ajnabi se baat kiya, maine I talked to my uncle about it. It means there is something available to the person, okay, which the person has revealed it. So it means yes, there is some support available to the person. Okay, so these are some of the questions which are really very good, and they have different levels which you can go ahead asking depending on the type of intensity you are seeing in the person. Now in case a client is suicidal, the counselor must immediately refer the client to a mental health professional. ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है कि सीरियसली ये सुसाइडल है, तो फर्स्ट इंटरवेंशन इज डिफरेंट. अभी तो आपने असेस किया, हाँ वी थॉट नाउ ऑल अप फ्रॉम अवर क्वेश्चंस यू रियलाइज नहीं द क्लाइंट इज सुसाइडल. सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? योर नेक्स्ट स्टेप इज टू रेफरिंग द पर्सन टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. एंड देन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, व्हाट यू शुड से, व्हाट यू शुड नॉट से, दैट ऑल्सो वी विल बी गोइंग अहेड. So for example, now many of you will be psychologists or counselors working in this field and might be getting the persons who is being referred to you. Abhi aapko to as a common man aapne ye sab pooch liya aur aapke paas the person has come. Now what will you do? So you have to assess whether it is a crisis situation or whether it is a situation which can be handled through counseling. Theek hai? Crisis situation means immediately you require, someone is saying ki you are a psychologist, someone has called you and said ki are mera friend hai wo, he has called me that he is committing suicide, then what will you do?
this is a crisis situation. And as a mental health professional, you have got this information. So you will also be, see, if you haven't handled such type of cases before, then you also will be panicked about it. Okay, but that will not help. Then how you can go ahead? Before, going ahead with crisis situation, I would like to tell you that now, as a counselor, if someone has come to you and that client is a suicidal client or showing the suicide intent, so what are the things you have to remember that you don't have to say? सबसे पहले लर्न कर लो कि क्या नहीं बोलना है. ओके, देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू से. नाउ डोंट बी सो सेल्फिश, थिंक हाउ योर फैमिली विल फील. अरे तुम्हारे परिवार को कैसा लगेगा अगर तुम ऐसा कर लोगे, मम्मी को कैसा लगेगा. दिस इज द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स. एंड इन लेमैन, कॉमन पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शेयर दिस फीलिंग टू वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर, दे माइट बी सेइंग, देखो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर एज अ प्रोफेशनल लेवर टू से दिस. डोंट बी सो सेल्फिश, थिंक ऑफ योर फैमिली हाउ दे विल फील. द पर्सन हु इज कमिंग टू यू एंड फीलिंग सुसाइडल, डोंट यू थिंक वुड हैव थॉट अबाउट इट एंड हाउ मच करेज दैट पर्सन वुड हैव गेन्ड, यू नो, टू टेल यू दिस. And then again you are saying this. उसे पता है कि उसकी family है, सब लोग हैं. This all will be, this person has kept all this aside and come to you. And again you are saying the same thing and the person will now not come to you. Then many people in this world have bigger problems. ठीक है, so बच्चा आया है, बच्चा ने बोला है, अब the child told you that 100 में से मेरे 80 marks आए हैं and my father will, you know, really scold me and they will be very unhappy because they were expecting that I should score above 90. So you will say ki, matlab being a counselor, you will feel ye kya problem hai. It's not that marks are not less. It's that what level the person has decided for himself or herself. The child is not failing. So you will say, arre bahut sare bachche to fail bhi hote hain, tumhare to itne achhe marks hain. So never underestimate. So things like this, many people in this world have bigger problem. Avoid. Then you have no idea what all I have been dealing with, but I don't think of suicide. So many times this, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है और तुम इतनी छोटी सी problem, but मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं suicide. Yes, you might not have thought, but I can think and I am thinking about it. That's why I have come to you. Then be brave. Don't be a coward, है ना? अरे अरे, brave बनो means we are, you know, labeling a person who is committing suicide is a coward. पहले ही because of societal reason, the person might be thinking, अरे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, I am a coward. The person will be in lot of guilt. So saying this will increase the guilt. It is not going to help that person. Then, I don't believe that you will actually do it. ठीक है, मोस्ट कॉमन, अरे हर बार आके बोल देते हो, कभी करते तो हो नहीं. देन लीव दीज थॉट्स एंड डू समथिंग विद योर लाइफ. वेरी वेरी कॉमन रिस्पॉन्स, मुझे ना मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ नहीं बचा है. अरे छोड़ो इसको, अभी पेपर आने वाले हैं, पेपर दो. ठीक है, इफ ही और शी वुड हैव बीन एबल टू लीव इट, वो तुमको नहीं बताता था फर्स्ट ऑफ ऑल, but the person is telling you. ठीक है, so first of all listen, accept that that person is going through it. So leave these thoughts and do something with your life is not a good word or sentence to be said. Then suicide is a sin, you will go to hell if you do this. So if you see many religions and in many culture, suicide is considered as sin. और उसको ये बोला, देखो कुरान में ऐसा लिखा है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है, सुसाइड जो करता है वो नेक्स्ट, यू नो, दैट पर्सन दिस जन्म इज नॉट रिजॉल्व. सो ऑल दीज थिंग्स, यू नो, दिस इज गिविंग ज्ञान. सो दिस इज नॉट टू बी डन. आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर इफ यू थिंक टॉक ऑफ सुसाइड. अगर तुम सुसाइड की बात करोगे तो मेरे पास मत आना. देन you are choosing to think like this and you can choose to change your thoughts. Matlab,
तुम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग अबाउट इट, जब तुम ये सोच सकते हो तो तुम वो भी सोच सकते हो कि सुसाइड नहीं करोगे, देन स्टॉप ट्राइंग टू गेट अटेंशन. So many times, even, you know, when we start working initially and when we are working as educators, many times we feel that our students are coming and someone saying, मैम उसे suicidal लग रहा है, वो बात करना चाहता है, किसी ने हमसे भी आके बात की होगी. When they are talking to us, then हम सोचते what we do. For example, being a teacher, I'm discussing it with someone else and someone says, अरे वो मेरे को अभी बोल रहा था, पिछले दो साल से वो ऐसे ही बोल रहा है. वो दैट इज अ वे द पर्सन इज ट्राइंग टू गेन अटेंशन. सो स्टॉप ट्राइंग, सो डायरेक्टली सेइंग दिस टू पर्सन, स्टॉप ट्राइंग एंड ओके. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू शुड नेवर से. नाउ कमिंग टू आई टॉक अबाउट दैट इन अ क्राइसिस सिचुएशन, इफ समवन हैज कॉल्ड यू दैट आई एम यू नो वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, दैट व्हाट कैन बी द थिंग as a professional or as a common person you can do. So first of all, delaying. So it is sometime delaying the duration of that particular movement that works best. So you don't have to do, because you cannot go. If someone, you are in Mumbai, someone is calling you from Delhi, then how will you cannot go there. So sabse pehle aapko ye bolna hai, can you hold it for one day for me? If person says no, can you hold it for half an hour at least? So you keep on changing this timeline. Okay, then person say okay. Then try to figure out who else is near to the person in the nearby vicinity. So agar wo bolta hai niche mummy baithi hai, papa baithe hain, koi bhi. So ek baar unse baat kara do. Or if this span is increased by yourself only, then also you can be of a great help. And always see that you can, many time contracts can also be made. So if someone is coming to you, you know, is suicidal, first of all, you have to assess the severity level of the suicide. If you feel that it is really, really, the person is just, you know, cannot be stopped from it, then it is your responsibility to report it. So if a person is threat to self or others, then it becomes mental health professional's responsibility to report it to a professional. Okay, then don't take charge in your hand, then clinical management is important. Okay, and later on you can continue with the counseling. So so I think Rajesh will not give me more time, but I'm almost done with my session. So the last thing I would like to say, that never take it lightly. कभी ऐसा मत, दिस इज नॉट यू टू जज कि वो सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा. लेट दैट पर्सन डिसाइड कि मुझे करना है कि नहीं. डोंट बी जजमेंटल, यू जस्ट गो. तुम्हें वट एवर द पर्सन हैज सेड, टेक इट सीरियसली. ओके, एंड गो हैड विद इन विच एवर मैनर यू कैन हेल्प दैट पर्सन. थैंक यू. थैंक यू सो मच पूनम. यू हैव यू नो शेयर्ड योर नॉलेज विद अस, और आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है, आपका जो सब्जेक्ट था उसको बेनिफिट मिला होगा. जो आपने बताया कि इसको सीरियसली लेना, अगर कोई भी आदमी बोलता है कि मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स हैं, तो उसे गंभीरता से लेना है. और सुसाइड एक आपने बताया लीडिंग कॉज है जिसके कारण लोग मरते हैं, 10 बड़ी लीडिंग कॉज में से एक है. और जो लोग सुसाइड करते हैं वो साइकोलॉजिकल सफरिंग के कारण सुसाइड करना चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल सफरिंग से बाहर आना चाहते हैं और सुसाइड को भी एक होप के तौर पर देखते हैं. काफी आपका सेशन इंटरेक्टिव रहा. कुछ क्वेश्चन आपके हैं वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, कुछ एक आध क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं. और अब मैं चलूंगा डॉक्टर चेतन की तरफ से बिना कोई देरी किए हुए. डॉक्टर चेतन, यू आर वेलकम इन भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन. आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर, यू आर ऑडिबल. गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फ्रॉम डीसीपीए एज वेल एज पूनम जी, आशुतोष जी, राकेश जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए टू इंटरेक्ट ऑन दिस पैन इंडिया प्लेटफॉर्म विद द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. हम अभी कोरोना वॉरियर ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मैं जो सभी मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, नर्सेस, मैं कहूँगा कि हम इन्हें भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में ही इनकी गिनती हो. ये सब हम मिलकर काम करेंगे तो अभी जो समस्या बढ़ रही है ओवरऑल ये करंट ऑनगोइंग प्रॉब्लम की वजह से भी, तो हम उसका सामना अच्छी तरह कर पाएंगे. सो मूविंग टू माय टॉपिक,
Today, I'll be discussing about suicide from the psychiatrist perspective. Can you all see the slides? Yes. Okay. So myself, Dr. Chetan Vispute, I'm a psychiatrist and counselor practicing in the region of Navi Mumbai. I'm associated with Institute for Psychological Health, a pioneer institution working in the field of psychiatry around this region since 30 years. As well as I'm working in the D.Y. Patil Medical College as an assistant professor. Long-standing academic association with the MIT University, courtesy Poonamji, Rekhaji from the MIT University. Thank you once again. So briefly about my presentation, today we'll have I've divided it in very, char hi topics mein hai, short hai, crisp hai, so that there is a take-home message with all of you. So suicide in Latin word means self-murder. It is a fatal act where people wish to die. Suicide is a result of an act deliberately initiated and performed by a person with full knowledge or expectation of its fatal outcome. उस व्यक्ति को पूरी जानकारी है, वो पूरे होशो आवाज में है कि वो क्या कर रहा है. ये समझ होने के बावजूद वो खुद को हानि पहुंचाना चाहता है, इसे हम सुसाइड कहेंगे. साइकोलॉजिकली हम उसे देखें तो मैं कहूंगा कि इट इज अ प्ली ऑफ हेल्प. वो कुछ मदद हमें मांगना चाहता है. तो सुसाइड की तरफ देखने का नजरिया भी, लॉ का भी बदल गया है. नो लॉन्गर इट इज पनिशेबल एक्ट नाउ. सो साइकोलॉजिस्ट या सभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में यही कहूंगा कि हम इसे एक मदद की गुहार समझे, या फिर अ पर्सन इज आस्किंग फॉर हेल्प इफ अ पर्सन इज एक्सप्रेसिंग सुसाइडल आइडिएशन. पूनम जी ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि सुसाइड के तौर तरीके, व्हाई, हु, वेरी सिंपल भाषा में उन्होंने सब सुसाइड के डिटेल्स हमें दिए हैं. आई विल जस्ट ब्रश अप थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स. World Health Organization, according to this leading health body, every 40 seconds a person is dying due to suicide. So this is one of the preventable causes of death. किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, and it is 100% preventable. Close to 8 lakh people die due to suicide every year. India is contributing to almost 1 lakh of this numbers. India is again a suicidal capital for the age group between 15 to 29. हमारा यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन के सामने चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा है. तो ये सब होने के कारण दिन ब दिन यहाँ पर बाकी किसी कारण से लोग जान नहीं गंवा रहे, बट ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है जिससे यंग पॉपुलेशन जो देश की धरोहर है उन्हें जान गंवानी पड़ रही है. सो इफ यू लुक एट द फिगर्स, the numbers are growing alarmingly. So India's share in world population has increased over the years. Now it is up to almost between 16 to 17%. There is a tremendous rise seen in the female sex. So the percentage of population is quite high. Suicide rates have increased gradually. Now global jo hai 10.5 hai, to India mein 16 to 17 ke beech mein pahunch chuka hai. हम अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो द डेवलप्ड स्टेट्स आर हैविंग मोर सुसाइडल रिपोर्ट्स. द रीजन बिहाइंड की स्पेशली इन द सदर्न स्टेट द सुसाइडल रेट इज क्वाइट हाई. द रीजन कुड बी बेटर रिपोर्टिंग ऑफ द सुसाइडल इवेंट्स एंड द बेटर अप्रोप्रिएट रेफरल्स टू द सुसाइडल टेंडेंसी. सो the clear picture will come when when a pan India there is improvement in the suicidal assessment, reporting, and administering the problems associated with it. Global averages are increasing day by day, and thereby it is a matter of concern. And again, I repeat, it is a preventable cause of death, which is very important. आप किसी की जान बचाते हैं, इससे बेहतर और कोई opportunity आपके पास नहीं. Difference between, this is a very important concept which I would like to highlight, difference between attempted suicide and completed suicide. So attempted suicide is commonly seen in younger age, more common in females. Ambivalent thoughts are more common, while in completed suicides, elder people with more maturity, elderly age group mein completed suicide zyada dekha jata hai.
As Poonam ji said, males complete suicide and females attempt it more. Yes, definitely that's true. And complete suicide में कोई ambivalence नहीं है, कोई द्विधा मनस्थिति नहीं है जिसमें सोच आगे पीछे हो. There is a complete plan, complete intent, very strong intent and a very lethal attempt, which leads to completion of suicide. Attempted suicide में there are less lethal methods. Like use of tablets, insecticides, use of knife. Here, more lethal methods are adopted, like use of firearms, or more lethal attempt methods are used with, and multiple lethal methods can be used. Attempted suicide, yes, can be an attention seeking. Parasuicide is also a word which is commonly used here. And completed suicide, yes, definitely it is more, there is a more common. Death wish associated ideas of helplessness, hopelessness, worthlessness, backstrat, definitely you would be able to see here. And psychiatric disorders are more commonly associated, more commonly seen in both of them, but definitely the percentage and prevalence is more with the completed suicide. Attempted suicide, yes, immediate family and interpersonal conflicts, trivial issues, but in completed suicide, multiple stressors, multiple conflicts, coming together in that person's life, which are beyond his or her coping mechanisms, is the reason. Suicide and psychiatric disorders. Now I'll come to my domain, which I see. आज सुबह ही 5:30 बजे मुझे एक अस्पताल से फोन आया कि a 23-year-old female has slashed her wrist multiple times. Please rush in. We have medically stabilized her. So अगर ये ऐसे एंड डे इन डे आउट वी आर गेटिंग कॉल्स नाउ ड्यू टू करंट क्राइसिस देयर आर फाइनेंशियल क्राइसिस गोइंग ऑन इन दिस नेशन देयर आर अदर इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन सो डेफिनेटली आई वाज थैंकफुल वी एनकरेज एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जब कभी हमें किसी प्रकार का कोई मदद मांगने आता है कोई हॉस्पिटल हो कोई व्यक्ति हो कोई रिलेटिव हो कोई फ्रेंड हो कभी ना मत कहिएगा Go and assess whatever as per your knowledge, as per your understanding, and motivate that person to seek help from psychiatrist or a clinician in order to determine the severity and in case any treatment is required. So, as I mentioned in the slide, at least 90% of the people who kill themselves have a diagnosable and treatable psychiatric illness. So again, a treatable and preventable cause se aap deal kar rahe ho. काफी सारे कारण हैं जहां पर हम व्यक्ति की जान नहीं बचा पाते हैं जैसे कैंसर पर यहाँ पे आप एक व्यक्ति की जान बचा पाओगे सो एप्रोप्रिएट रेफरल इन टाइम एप्रोप्रिएट असेसमेंट इन टाइम कैन सेव अ लाइफ एंड ऑल्सो द पर्सन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड इफ हिज साइकाइट्रिक इलनेस इज ट्रीटेड एनी पर्सन हु इज मेंशनिंग सुसाइड हु हैज अटर्ड द वर्ड सुसाइड एवर एक्सप्रेस द डेथ विश पैसिव डेथ विश जैसे कि पूनम जी ने कहा कि कोई भगवान मुझे उठा ले कोई रास्ते से चलते चलते भाई कोई व्हीकल आके अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो बेहतर सो ऑल दिस आर पैसिव डेथ विश इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पैसिव डेथ विश एंड देन गोज ऑन टू अ कंप्लीटेड सुसाइड सो बिटवीन 20-50% ऑफ पीपल हु किल देमसेल्व्स हैव प्रीवियसली अटेम्प्टेड सुसाइड इन द पास्ट इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स डिप्रेशन 50% ऑफ दोज हु कमिट सुसाइड हैव एक्सपीरियंस डिप्रेशन anxiety is 70%. Borderline personality disorder. Personality disorder is a very, very common cause, but it is often an ignored cause. Micropsychotic episodes are quite common in this borderline personality disorders. Bipolar disorder, there is a common myth and misunderstanding that a person cannot commit suicide in mania, only commits suicide in depression. But again, that is a myth, I would say. In extreme degree of mania, suicidal attempts are seen. Schizophrenia also, definitely it's a leading cause. We'll discuss in subsequent slides the reason why people commit suicide in all of these mental health disorders. So, what are the circumstances or what are the reasons where you should suspect suicide or what are the areas where you feel the assessment is necessary. So if there is an ongoing mental health problem or a psychological issue, the chance the 50% suicidal circumstances are likely to develop. So any mental health problem requires attention
medical psychopharmacological help, non-psychopharmacological techniques, both when they go hand in hand, will lead to rapid improvement and survival. History of suicidal thoughts or plan. Any past history of suicidal thoughts, any planned suicide, again, should be taken very seriously, should not be ignored. Crisis in past 2 weeks, any major crisis like relationship issues, loss of a loved one, divorce, breakups, loss of a job, financial issues, academic failures, any stresses or multiple stresses when they come together can lead to this kind of problem. Again, suicide is something which is associated with chronic medical illnesses, people suffering from chronic kidney disease, chronic major medical illnesses, cancers, terminal illnesses like cancers, again, are likely to have this kind of suicidal ideation. Alcohol dependence, yes, koi bhi nasha, aadmi ki aur ki vivek buddhi ke upar asar karta hai, it affects the decision making, judgment, the capacities are impaired. So the likelihood that a person completes a suicide is definitely high when they do it under the influence of alcohol. And in many instances, we see that people are under the influence of substances, not only alcohol, other substances like weed, marijuana, cocaine, MD, stimulants and all, leading to suicidal ideation. Job problems, psychosocial problems are something which are easy to understand. They are quite given elaborately in most of the textbooks, most of the papers. I will not go into the details. I have just enumerated them in the previous slides. Now, coming to the individual psychiatric disorders. Schizophrenia is a very major psychiatric disorder, as all of you know. The prevalence is 1 in 100. 100 में से एक व्यक्ति को आज गंभीर स्किजोफ्रेनिया के लक्षण देखे जाते हैं. मैं कहूंगा कि समझो आज मुंबई, ग्रेटर मुंबई की अगर पॉपुलेशन समझो 2 crore, 2 CR के आसपास है, तो लगभग 2 lakh लोगों को गंभीर स्किजोफ्रेनिया के लक्षण है जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है. So, lifetime suicide risk in schizophrenia is quite high. It is 4 to 5%. Younger age, initial years of onset of illness have greatest risk. When the active symptoms of schizophrenia are there, like the positive symptoms of schizophrenia, of hallucination, the likelihood of suicide is less. But when a person has recovered with medications and the psychosocial treatment, when a person has developed a bit of insight, the chances that the onset of depression, onset of comorbid depression are high. So higher level of cognitive functioning, higher functioning levels, insight into the illness of schizophrenia, ideas of helplessness, hopelessness, worthlessness seen in chronic schizophrenia person definitely have a greater risk associated with suicidal tendencies. I would like to quote an example here. Another very commonly seen scenario here in schizophrenia is auditory hallucinations. I have come across very commonly people suffering from auditory hallucinations where they get commanding hallucinations to kill themselves or to harm themselves. Unhe aawaze sunai deti hai, male, female, threatening, commanding, ki khud ki jaan li jaye ya fir khud ko kuch hani pahunchane ki koshish karne ko prerit karne wali. ऐसी कुछ आवाजें इन व्यक्तियों को ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के तौर पर सुनाई देती है. ये होने के कारण, ये भी एक कारण है जो स्किजोफ्रेनिया में आमतौर पर देखा जाता है. मूड डिसऑर्डर्स, पूनम जी हैज ऑलरेडी मेंशनड अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी. यस, दिस इज द मोस्ट कॉमन, रादर मोर कॉमन देन स्किजोफ्रेनिया. मूड डिसऑर्डर्स में सभी डिसऑर्डर्स जो है, डिप्रेशन, bipolar mood disorder, mania, this is the most common cause for completed suicides or even attempted suicides. So 25% of the suicides were found to be due to mood disorders, but the suicide rate increased to 35% when suicide cases with adjustment disorder with depressed mood were also counted. This is from an Indian study which was done a long time back, but a very one of the few study where the psychological autopsies were done. The histories of those individuals from the relatives were traced back. So this is the Indian data which I am quoting in this slide.
the crucial and causal role of depression in suicide is has limited validity. Even those who were depressed for a short duration or for and only for mild to moderate symptomatology. यही कहना चाहते हैं कि severe depression, moderate depression, mild depression was present only for a very shorter duration. The longer temporal association between the depression and the suicide was not established in this study. Most of them who committed suicide, they did it in the very first episode of depression. And more than 60% of the depressive suicide had mild to moderate level of depression. So, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर depressed है, किसी को psychological symptoms है, तो हमें जब तक वो suicidal होता है, तब तक राह नहीं देखनी है. Early assessment, early diagnosis of that individual, appropriate referral as per the severity, pharmacological techniques, non-pharmacological techniques going hand in hand will help that individual. So, कोई अभी डिप्रेस्ड है, सुसाइड है, इसलिए वो सुसाइडल आइडिएशन है, इसलिए वो डिप्रेस्ड है, नहीं. सुसाइडल आइडिएशन इज रादर अ सीवियरिटी मार्कर. इफ सुसाइडल आइडिएशंस आर प्रेजेंट विद डिप्रेशन, इट मींस द पर्सन इज हैविंग सीवियर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. बट इवन सुसाइड इज सीन विद माइल्ड टू मॉडरेट लेवल्स ऑफ डिप्रेशन. सो सो फार एज द इंडियन पॉपुलेशन इज कंसर्न, इट इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली. And mood disorders, even of mild to moderate severity, are to be taken into account while assessment of suicide, because 90% of them have a preventable and treatable cause associated. There is, as I've mentioned in the presentation before, ki mania of bipolar depression, when the excitement is quite high, when the elation is quite high, people often feel that happiness is quite high, so suicide मेनिक फेज में नहीं हो सकता. नो, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मेनिया, वेरी सीवियर डिग्री ऑफ मेनिया, अ पर्सन कैन गो एंड कमिट सुसाइड एज अ सिम्टम ऑफ मेनिया ऑल्सो. सो इवन दोज हैविंग बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स, अगेन इन देम सुसाइड इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ. अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन इन मूड डिसऑर्डर अगेन इज व्हेन अ पर्सन शिफ्ट्स फ्रॉम डिप्रेशन टू मेनिया एंड फ्रॉम मेनिया टू डिप्रेशन, अगेन दीज आर द फेजेस. जब ये स्विच होते हैं, these are the vulnerable phases where they can commit this life threatening act. So कोई व्यक्ति अगर depression से mania में जा रहा है या mania से depression में जा रहा है, तो उसके markers हमें समझने जरूरी है. उसके sleep pattern में क्या changes हो रहे हैं, mood में क्या changes हो रहे हैं, ये यदि हम routine हमारे evaluation के वक्त जान ले, तो then also you can prevent this cause of this preventable cause of death. Substance use, again Poonamji has mentioned about it. Alcoholism, especially in our country, plays a major role. As per the Indian studies, again, these studies were done in Chennai and Bangalore. Alcoholism plays a significant role in suicide in India. Alcohol dependence and abuse were found in 35% of suicides, which the rate is quite high. Around 30 to 50% of male suicides were under the influence of alcohol. As I have said, the judgment, the concepts, the insight into the problem, all are taken for a toll, and they are impaired when a person is under the influence of suicide. And many times people use multiple modes of attempt, multiple substances to commit a suicidal attempt. I have very commonly seen a person consuming alcohol along with cannabis, with insecticide or a rat poison, and then hanging themselves. I've given you example, जिसको सुनके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि alcohol, cannabis, rat poison and hanging. So look at the lethality of this attempt. So again, this is very common. Substance use again in a special group. Farmer suicide, ये हमारे देश की काफी बड़ी समस्या है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में फार्मर सुसाइड एक बहुत अभी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू बन गया है, पॉलिटिकल भी इश्यू बन गया है. तो अगेन सब्सटेंस यूज इज क्वाइट कॉमन इन द फार्मर्स सुसाइड. इट इज वन ऑफ द रीजन. अगेन देयर आर अदर रीजंस, इट कैन बी अ सेपरेट प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स. वन मोर ऑब्जर्वेशन विच वॉज सीन विद सब्सटेंस यूज वॉज नॉट ओनली वेयर देयर अ लार्ज नंबर ऑफ अल्कोहलिक सुसाइड, बट ऑल्सो मेनी हैड कम फ्रॉम अल्कोहलिक फैमिलीज. सो ये अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स या फिर addiction, this can be a hereditary problem.
and they start consumption in early lives and were heavily dependent on them. Many of them have वो खुद की जान भी नहीं, मतलब खुद की तो जान लेते भी है, साथ में परिवार की भी जान ले लेते हैं, and it is shown as a suicide when it comes to the alcohol. Now, I will come to a very brief and short technique for all mental health professionals, psychiatrists, psychologists, nursing staff, social workers who are working. It is known as SAFETY, Suicide Assessment 5-Step Evaluation and Triage. This is a very commonly used protocol. SAFETY is a 5-step suicide assessment protocol. Suicide assessment, 5-step evaluation and triage for mental health professionals was originally conceived by the author and developed as a collaboration between Screening for Mental Health and Suicide Prevention Resource Center in US. It draws up from the American Psychiatric Association practice guidelines, very easy to apply and can be applied universally all over. So there are 5 steps. First is identification of the risk factors. Poonamji has covered most of the points. I'm just putting it in a very simple way, in a very lucid way, and very easily aap isko yaad rakh sako iske liye. Identifying the risk factors, identifying the protective factors, conduct a suicide inquiry, determine the risk level and document it. Documentation is very necessary in your practice to avoid the legal issues. So we'll discuss the first part, risk factors. History of prior suicide attempts, aborted suicide attempts, or self-injurious behavior. As I've said, one more reason which I forgot to mention is personality disorders. Again, the cluster B personality disorders, borderline, histrionic, antisocial, narcissistic, especially the borderline ones who have micropsychotic episodes. Again, self-harm is a very common association there. Attempted suicides are quite high there. So any history, like any presence of this suicidal behavior in the form of prior suicide attempts or suicidal ideations expressed should be taken very seriously, should not be ignored. Current or past psychiatric disorders, family history or past history of psychiatric disorders, which we have already discussed, schizophrenia, psychotic, mood disorders, substance, personality disorders, PTSD, traumatic brain injury is a neurological disorder. Again, this or any other major medical or surgical illness should be taken seriously. Cluster B personality disorders, as I've mentioned, where impulsivity is quite high, aggression is quite high, mood swings are quite high. So in a fit of rage, an attempted suicide, if it turns out to be lethal, can be a completed suicide. Comorbidity or recent onset of medical illness also increases the risk. This is an era of non-communicable disease and chronic medical illnesses are increasing. So the risk is quite high. Key symptoms, psychiatric symptoms, which a mental health professional has to look for is anhedonia, sadness of mood, impulsivity, hopelessness, helplessness, worthlessness, anxiety, disturbed sleep, sleep disturbances should not be ignored, and command hallucinations, as I've already mentioned. Family history of suicide, other access wound disorders requiring hospitalization should always be inquired, not only in the suicide assessment, but also in your regular psychiatry history taking. Triggering events leading to humiliation, shame, or despair. Recent stressors, interpersonal, which we have already discussed. Ongoing mental health problem, neurological or any major condition. Physical, history of physical and sexual abuse. Neglect, physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, social isolation, especially in children and elderly, should be inquired for. Recent change in treatment, recent discharge from a psychiatric hospital, recent recovery is a very vulnerable phase. So all these risk factors which are enumerated should be assessed and inquired for without missing any one of these. Protective factors. Yes, there are certain protective factors which Poonamji has mentioned in her presentation. They may not counteract the significant acute risk, but yes, definitely they should be inquired. They can be classified into as internal or external. So internal is ability to cope up with stress, religious beliefs. Suicide is not allowed in certain religions. It is looked upon in another way. Frustration tolerance is high. The stress diastasis, the high frustration tolerance, the better coping mechanisms,
balance between positive and negative coping mechanisms is, these are certain internal traits which have to be evaluated. External, like responsibility to children or beloved pets, positive therapeutic relationship between the counselor. Poonamji has already mentioned the statements regarding the empathetic establishment of the rapport between the. Suicidal inquiry, this is a very important thing which has to be evaluated in this pattern. Ideation, plan, behavior and intent. Ideation, frequency of the ideation, intensity, duration. If there was a plan, मैंने ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, मैंने रैट पॉइजन मार्केट से खरीद के रखा था, मैंने इस डाइल्यूशन में उसे इस जगह पर मैंने उसे पीने की कोशिश की ताकि मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे मदद ना मिल पाए. सो डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्लान, द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन, ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी इवैल्यूएटेड. टाइमिंग, लोकेशन, लिथालिटी. लिथालिटी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल वेयर substance use, a very lethal rat poison, along with hanging. So multiple methods, lethal methods are to be evaluated. Availability ke baare mein Poonam ji ne hume jankari di hai. And preparatory acts are the planning and a systematic plan when they have written. Many times after completion of suicide, patients are referred to us from the Department of Medicine. We ask them for the history of remorse or guilt. So following an act of incomplete suicide, if remorse and guilt is present, it is a good sign. If remorse and guilt is absent, again a detailed psychiatric evaluation is attempted, should be definitely done, and treatment of underlying psychiatric disorders has to be done by the psychiatrist. Behaviors, past attempts, aborted attempts, rehearsals, repeated attempts should be taken seriously. Intent, in which the patient expects to carry out the plan, believes the plan or act to be lethal versus sentence. So, and again, always there is an ambivalence which a person has to explore. You develop the external factors like responsibility towards the children during your interview if the lethality and the risk is quite low. So these are certain factors: ideation, plan and behavior and intent, which should be assessed while treatment. So risk level, this is a simple chart which I have posted here. Again, the risk levels are high, moderate and low. When the risk level is low and if the mental health professional is not available with adequate supportive psychotherapy or counseling techniques, definitely the person can be handled for some time. But for any level of risk, referral to a psychiatrist for evaluation has to be done to prevent the loss of that person. So as per that, high risk factors may psychiatric disorders, potential lethal attempt would require admission, observation and treatment. Therefore, is should be referred to a psychiatric hospital as early as possible. Multiple risk factors, moderate risk may few, here protective risk factors are also present, protective risk factors are absent here. And the suicidal ideations with a plan but no intent or behavior, admission may be required, but always the person should be in touch and emergency crisis number should be there. And low risk, modifiable risk factors, strong protective risk factors are present. Thoughts of death, passive death wishes might be present. So here can be managed on an OPD basis with a regular follow-up. The follow-up should be every third day, every fifth day possible, and to come over the crisis-like situation. Crisis intervention is again a separate chapter or a separate discussion which I will not go into the details, but this is the way in short. I think I would like to conclude my today's session, where I would like to keep it short and sweet so that there is a take-home message. I would definitely share a PDF of this presentation with Poonamji. She can forward it to you so it can be of certain use to you, and I'll share the necessary material, assessment scales also, so that at your level you can do certain basic primary assessment and do appropriate referrals by at least doing initial assessment, determining the severity, explaining it to the patient and the relatives, the need for the referral. Thank you.
थैंक यू सो मच डॉक्टर चेतन. आपने जो सोसाइटी के बारे में एक बैकग्राउंड बताया, बहुत हमने बहुत नई जानकारी मिली उससे. सोसाइटी की आपने बताया कि आप पनिसिबल नहीं है, और सोसाइटी का जो आपने डेटा दिया उसमें आपने कहा कि एवरी 40 सेकेंड सुसाइड कमिट होती है, तो इसकी गंभीरता का पता चलता है. और जो सोशल वर्कर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और आती है, और कि जो सिम्टम्स हैं सुसाइड के उनको पहचानने की हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एप्रोप्रिएट रेफरल किए जा सके, सही जगह पे किया जा सके. और आपने बताया कि जो स्किजोफ्रेनिया है उसमें सुसाइड की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, खास करके जब ये ऑडिटरी होती है, क्योंकि उसमें कमांडिंग वॉइस आती है और आदमी को ऐसा लगता है कि वो कमांड आती है कि आप सुसाइड करिए, इस तरह के थॉट्स आते हैं. मूड डिसऑर्डर के बारे में भी आपने बताया कि काफी इसकी संभावना बढ़ जाती है, और आपने बताया कि क्लिनिकल हिस्ट्री का लेना बहुत जरूरी है, और उसके जो रिस्क है हाई, मॉडरेट और लो, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट का प्लान किया जाना चाहिए, रेफरल्स होना चाहिए. अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मैं आप दोनों हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको इसका जवाब दें, आप में से कोई भी दे सकता है. तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो सुसाइडल आइडिएशन है और जो एक्यूट सुसाइडल आइडिएशन है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जैसे हमने अभी पहले बात किया कि देयर आर लेवल्स ऑफ आइडिएशंस, सो कोई जो है इसी लेवल पे सोचता है कि उसको सुसाइड करना है, मतलब वो मर जाना चाहता है. समवन इज थिंकिंग मर जाना चाहता है तो क्या करना है, सो दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू इट. ओके, सो दीज आर लेवल. सो यूजुअली सुसाइड आइडिएशन अगर माइल्ड है, एक्यूट है, सिवियर है, इट इज जस्ट अ लेवल. सो एक्यूट मीन्स you know, most of the time they are prevalent, but they are not at severe level that person is going to, you know, they are plan. So it is just a level of planning. So usne plan kiya hai ki nahi kiya hai. So that is severity level. Okay. I would like to add ki, grossly, when in clinical assessment, jab aap one-to-one person se deal karte ho, तब पैसिव डेथ विश एंड एक्टिव डेथ विश, जैसे दो तरीके से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. पैसिव डेथ विश में पेशेंट या पर्सन एक्टिवली कोई कोशिश नहीं कर रहा है जान माल को नुकसान पहुंचाने की, पर इन एक्टिव देयर इज एन एक्टिव इंटेंट, एक्टिव प्लान, एक्टिव कोशिश, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स. सो एक्टिवली देयर आर मोटर एक्ट्स वेयर ही इज डूइंग इट. सो पैसिव और एक्टिव में यदि आप उसका क्लासिफिकेशन क्लिनिकली कर पाए, और ये जो सुसाइडल इंक्वायरी की मैं स्लाइड आपके सामने रख रहा हूँ, वो एक फैक्टर के ऊपर सुसाइड करेगा या नहीं ये हम तो नहीं बोल सकते, बट वी कैन प्रेडिक्ट द प्रेडिक्ट पॉसिबिलिटी हाई और लो इज समथिंग विच वी कैन प्रेडिक्ट. वी कैन नॉट गिव क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, ये और पूरे दावे के साथ तो हम नहीं कह सकते. सो असेसिंग द सीवियरिटी बेस्ड ऑन ऑल दिस मल्टीपल फैक्टर्स, आइडिएशंस, प्लान, बिहेवियर्स एंड इंटेंट विल हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग द अटेम्प्ट. थैंक यू. ओके, नया दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि सुसाइड के कारण अगर मान लो किसी के सिबलिंग्स की डेथ हो गई है, और उसके अंदर जो उसके परिवार वाले हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसका भाई हो सकता है, उसके अंदर गिल्ट है या रिग्रेट है, तो कैसे बाहर आए? यस, आई फील इन दैट ग्रीफ काउंसलिंग एडवांसिंग थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ ग्रीफ, द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ विल हेल्प. Ideally, as a psychiatrist, I will not advocate any sort of medical management there in the initial stages of grief. There are markers which distinguish grief from depression. जब उस वो व्यक्ति grief reaction से depression में चले जाता है, then definitely an evaluation by a psychiatrist is warranted. But उसकी कुछ समय सीमा है, कुछ लक्षण है. उस व्यक्ति को उसमें definitely it is a loss of a person. And a sudden loss of a person, so that time should be given to that person, and a supportive psychotherapy is something which will help in the initial stages. But if that person is him, jo relative hai, usme se koi yadi suicidal ideations express kar raha hai, extreme degree of agitation hai, past history of psychiatric illness hai, substance use hai, ye jo markers humne aaj discuss kiye, ye yadi koi markers aapko us family members mein bhi dikh rahe hai, so definitely they require a detailed evaluation. एक क्वेश्चन आया है कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और वो बच जाते हैं, तो उनका जो मेंटल स्टेटस है वो कैसा होता है, और उसके लिए बेस्ट काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होती है, क्या किया जाना चाहिए उनके साथ, क्या मैसेज उनको दिया जाना चाहिए?
ये क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। यस पूनम जी, शैल आई, आप बोलिए, मैं आई विल ऐड ऑन टू। हाँ, एक्चुअली जो पहले कर चुके हैं उनमें हमें लेवल ऑफ गिल्ट देखना बहुत जरूरी है। सो दे ऑलरेडी विल बी इन लॉट ऑफ गिल्ट, दे हैव कमिटेड इट, क्योंकि एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चर ही बिलोंग्स टू और द फैमिली ही बिलोंग्स टू, कि उसमें उसे कैसे व्यू किया जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला, अगर फैमिली में उसे कावर्ड व्यू किया जा रहा है तो उसको कंटिन्यूअस थेरेपी और काउंसलिंग की जरूरत है, एंड ऑल्सो फैमिली काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और किस रीजन से उसने वो अटेम्प्ट किया था उसको वर्क, सो हेयर कंटिन्यूअस काउंसलिंग विल बी इम्पोर्टेंट। अगर किसी के प्रीवियस अटेम्प्ट है और उससे बाहर आ गया, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट हुआ और उस वो बच गया तो वी जस्ट लीव दैट पर्सन लाइक दैट। सो कंटिन्यूअस उसमें काउंसलिंग की सपोर्ट लगेगी, एंड टू वर्क ऑन कि उसने क्यों किया था, एंड देन हाउ, व्हाट आर द प्लान्स। तो वो गिल्ट वाली, जैसे मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए कि भाई यू नो, अगर हम फैमिलीज को सिन की तरह देख रही है या फैमिली सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं कर लिया है, तो इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट ब्रेव किसी रीजन से, तो ऑल दीस थिंग्स हैव टू बी फिगर्ड आउट एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट इज टू बी गिवन। आई वुड लाइक टू ऐड टू पूनम जी, इतना ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कोई एक कारण नहीं है, इट इज मल्टीफैक्टोरियल, मल्टीफैसेटेड रीजन है। सुसाइड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स हमें समझने की जरूरत है जब इस व्यक्ति से हम बात करते हैं। इनिशियल स्टेजेस में बीइंग सपोर्टिव, लेट द पर्सन टॉक, डोंट इंटरप्ट हिम। इनिशियल जो कुछ सेशंस होंगे दो तीन, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दो सेशंस के बीच में गैप कम से कम हो, और उस व्यक्ति को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। वंस ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग, यू विल कम टू नो द रिस्क फैक्टर्स एंड यू अप्लाई द स्किल्स। देयर आर वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स फॉर सुसाइड, अलग अलग तरीका है। मैंने जो सेफ्टी है ये एक ही तरीका आज डिस्कस किया है, ये काफी सिंपल है और यूनिवर्सल है इसके लिए। सो यू असेस द रिस्क फैक्टर्स इन अ पर्सन हु हैज अटेम्प्टेड सुसाइड, एंड एज पर द रिस्क फैक्टर्स विच आर फाउंड आफ्टर द इनिशियल मैं होना साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, दिस रिस्क फैक्टर्स हैव टू बी एड्रेस्ड सो दैट द पर्सन डजंट एक्ट ऑन टू डू एनी सुसाइडल अटेम्प्ट इन फ्यूचर। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स का पूछना है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जिसके थ्रू हम पहचान लगा सके कि इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है? वो लोग अपने पेरेंट के साथ भी खुलते हैं और ऐसा अटेम्प्ट कर चुके हैं या संभावना है, तो क्या ऐसे कुछ नॉन वर्बल क्यूज हैं जिससे हम पता लगा सके? Again, assessing the risk factors, interacting with the family members for the risk factors and the protective factors present for that individual person will help in the because no one can predict ki ye aage karega ya nahin. So initial level, these four stages which I am flashing on the slides again and again, this is something will help you. A detailed inquiry of the process of suicidal inquiry will help in taking the history. And no, किसी आदमी को आप सिर्फ देख कर उसका mental state क्या है हम पता तो नहीं कर सकते। Mental status examination के लिए हमें उस व्यक्ति से open-ended questions पूछने की जरूरत है। Let that person talk. I think open-ended questions can give you some clues, one. And second, अगर वो व्यक्ति ज्यादा बात करने वालों में से नहीं है या there is a hesitancy from him, let him express his thought on a diary, let him write down, pen down his thoughts. I think ये जो तरीका है मैं use करता हूँ हमेशा कि अगर कोई non-cooperative, non-client है तो first try and establish rapport and let that person write, pen down his thoughts. Slowly, slowly you can build upon it. It's not a one-day process. It will take some time. Here I would like to add, in behavior, see, you have to, if you are closely associated with the person or in your class, a student, in your family, a child, or anyone, तो अगर आप contradictory behavior देखते हैं, बच्चा पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, या कोई भी husband, wife, कोई भी family member, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, suddenly वो बहुत ज्यादा active हो गया है, या suddenly वो बोलने लगे आप मुझे सब कुछ करना है, ठीक है? ठीक है, you have to see the change in behavior, which can be non-verbal also. Or कोई बिल्कुल the person who was taking actively taking part in everything now suddenly stopped doing all these activities.
आई एम नॉट सेइंग इट इज इंडिकेटिव ऑफ सुसाइडल बिहेवियर, बट ये चेंज आपको जरूर देखना है. सो चेंज यू कैन सी एंड देन यू कैन एक्सप्लोर फर्दर एज डॉक्टर चेतन हैज सेड थ्रू मोर क्लिनिकल असेसमेंट. सो इट डजंट मीन अगर कोई बहुत सारी पॉजिटिव चीजें करने लगा है तो हमें उसे छोड़ देना है. दैट ऑल्सो नीड्स एक्सप्लोरेशन. There are conditions like mask depression, agitated depression, which are very atypical in nature, which often take the clinician for a toll. मतलब हमें पूरी तरह जो client है अंधेरे में रखते हैं ऐसी conditions. So definitely this have to be assessed and it's a process. It's not a one day task. ओके एक क्वेश्चन ये है, हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस इन ए सोसाइटल पर्सन. बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इसका जवाब मैं बहुत मुश्किल है देना. सुसाइडल पर्सन अगर कोई है तो असेस फॉर द इफ देयर आर रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड, लुक फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. यूजुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये एक कॉमन एसोसिएशन है जो देखा गया है. As I've mentioned in this slide, very commonly seen borderline personality disorders, तो जो स्वभाव के गुण दोष है उसका assessment होना जरूरी है. And then building a resilience, it's a process. It takes multiple sessions, a good rapport between the therapist and the person, and approaches like DBT. As well as CBT can help, depending on that personality types, can help in a further thing. Plus, building resilience is not a one day thing. It depends karta hai us bande ki parvarish kaise hui hai. So, especially addressing the condition of suicide or attempted suicide or suicidal ideation in adolescent age group is the area where you can really do some interventions and develop this. ऑलरेडी जो एडल्ट्स है उनमें ये प्रोसेस करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है, मल्टीपल सेशंस एंड इट्स अ क्रॉनिक प्रोसेस. या हियर आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि इन डे टू डे लाइफ एडिंग रेजिलियंस और मेकिंग अ पर्सन रेजिलियंस इज एज डॉक्टर चेतन सेड इज अ लाइफ इज अ प्रोसेस. So in that process, see, many times we have misbelief that resilience is only developed through the positive upbringing. You will be seeing that the hurdles, if hurdles and it is stress inoculation. Agar aap systematically stress introduce karte ho ek person ki life mein, that can lead to that leads to develop a positive as work as a protective factor. So, bachchon ko sab kuch de dena. फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होना डजंट मीन दैट यू विल बी डेवलपिंग एज अ रेजिलिएंट पर्सन. सो अगर सिस्टमैटिक स्ट्रेटजिकली स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया जाए और हर्डल्स दिया जाए दैट इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग अ रेजिलिएंट. तो बच्चों को थोड़ा और ड्यूरिंग रेयरिंग अप द चाइल्ड देयर शुड बी सिस्टमैटिक इनोकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इफ यू वॉन्ट टू डेवेलप रेजिलियंस. वो सुसाइड होने के बाद डेवलप करने वाली चीज है. हाँ, मैंने पहले से सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है. यस यस, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वंडरफुल क्वेश्चंस आर कमिंग अप, इफ द टाइम परमिट्स वी विल टेक सम ऑफ देम मोर. बिल्कुल बिल्कुल. एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई डिप्रेशन का अगर कोई मरीज है, सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर है. नहीं, अभी जैसे मान लो डिप्रेशन का मरीज है और उसने अभी तक ये नहीं कहा कि सुसाइडल टेंडेंसी है, तो क्या काउंसलर को ये पूछना चाहिए कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है या नहीं है? तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पूछने से कहीं उसके अंदर सुसाइड की थिंकिंग ना आ जाए. I think पूनम जी has already addressed this question in her presentation. देखिए, inquiry into the suicidal ideations, intent and lethality is important. The way you do it definitely determines it. How empathetic you are. Empathetically, if you address your questions. Whether did you ever get thoughts of harming yourself? Directly jumping into on this question, it should start on a lower note and gradually, depending on the rapport, depending on the acceptability of that question, the inquiry should proceed. Any point, anywhere, if the person is distressed due to it, the interview should be stopped and later on should be conducted later. Addressing the psychiatric disorders, as I've said, ye hai. First, if the
severity of any prevailing psychiatric disorders are quite high, then let that person get it treated medically. Once the patient is stabilized, then you can again proceed with the interview. When two things are going hand in hand, तो एक स्टेबिलाइज करके दूसरा एड्रेस करते हैं तो सक्सेसफुल आउटकम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा लीगल से रिलेटेड है, उसमें पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल मैनिपुलेटिवली थ्रेट्स देता है जिसके कारण से कोई इंडिविजुअल सुसाइड करता है, तो क्या ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई किसी को दबाव डालता है जिसके कारण कोई और सुसाइड कर लेता है? देखिए, सुसाइड इज नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट रिपीटेडली थ्रेटनिंग इट अगेन अंडरलाइंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैज टू बी इवैल्यूएटेड. Not every person, usually the insight problem or the need to seek help is quite less when it comes to the personality disorders treatment, because the personality disorder ka assessment will take some time, the treatment and the therapy sessions will take years to bring in a behavior change. So suicide, attempted suicide, completed suicide is no longer a legal offense, but a repeated threatening jo hai, I think more than focusing or worrying about the legal outcomes of it, if appropriate psychiatric help is given in the form of assessing the access to disorder, I think predominantly along with access one disorders would help. एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है जो अपने स्कूल काउंसलर से कहता है कि मैंने लास्ट ईयर अपनी नसों को काटने की, हाथ की नस काटने की कोशिश करी और किसी को भी पता नहीं चला, अब वो एक साल बाद अगर अपने काउंसलर को बताता है तो क्या काउंसलर को इस मामले में क्या करना चाहिए? अगर ये घटना एक साल पुरानी है, दो साल पुरानी है, पूनम जी इज अ प्रोफेसर आल्सो, शी हैज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग ऑफ डीलिंग विद एडल्ट स्टूडेंट्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट हर टू प्रोसीड एंड देन आई विल. या एक्चुअली ऐसे बहुत सारे, लाइक इन एवरी सेशन यू गेट 3-4 स्टूडेंट्स लाइक दैट. So, it's not, अगर एक साल का घटना है तो आप बोलो अच्छा अभी तो नहीं किया ना, यू लिसन इट, यू लिसन दैट अच्छा तब क्यों किया था, एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाई इट वाज डन, वेदर दैट फैक्टर इज स्टिल प्रिवेलिंग. सो लॉट ऑफ एज डॉक्टर चेतन हैज सेड, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन इम्पल्सिविटी देर इज लॉट ऑफ टेंडेंसी ऑफ सेल्फ हार्म. तो अगर बॉर्डर लाइन है तो ऑब्वियसली बॉर्डर लाइन को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको उसको साइकेट्रिस्ट को रेफर करना पड़ेगा और रीसेंट हिस्ट्री ऑफ अटेम्प्ट भी देखना पड़ेगा. हो सकता है उसने उस टाइम आपको बोला, बट इफ द चाइल्ड इज टेलिंग यू, इट मींस देयर इज समथिंग, दैट इज व्हाई चाइल्ड टेलिंग यू नाउ. यस, अगेन एज आई मेंशनड एट द स्टार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, लुक एट इट एज अ प्ली ऑफ हेल्प. कोई आपके पास मदद मांग रहा है, बस ये सुसाइड एक जरिया है, एक तरीका है. वन सेकेंड, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट पाया जाता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गिव वन वेरी एग्जाम, वेरी कॉमन एग्जाम्पल और वेरी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है. व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी रेसिडेंसी, माय पीजी गाइड और हमारे एचओडी डॉक्टर शुभांगी पारकर, शी हैज डन पीएचडी इन सुसाइड, शी इज एन ऑल इंडिया फैकल्टी इन वेरियस कॉन्फ्रेंसेस. सो एक बार ऐसा हुआ, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो है वो फेस्टिवल्स रहते कॉलेज में, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज, उस दौरान वो उसकी टेक्सटबुक में पाया गया एक सुसाइड लेटर, एक सुसाइड नोट जो कम से कम 6 महीने पुराना था. 6 महीने पहले उस बंदे का उसकी बैचमेट के साथ ब्रेकअप हो गया था, एंड फॉलोइंग दैट ही हैज रिटर्न, एंड उसके वो व्यक्ति के रूम पार्टनर को वो फेस्टिवल के दौरान मिला. अरे, कॉलेज फेस्टिवल तो एक ऐसा समय जहाँ पे कॉलेज में अच्छा माहौल रहता है, स्टूडेंट्स आर क्वाइट एनर्जेटिक, क्वाइट हैप्पी. इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट, आवर एचओडी हैड कॉल्ड इन फॉर रिपीटेड असेसमेंट, वी स्पोक टू दैट पर्सन, वी स्पोक टू हिज फ्रेंड्स, वी स्पोक टू द वार्डन, वी स्पोक टू हिज पेरेंट्स, वी स्पोक टू हिज एक्स ऑल्सो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, एंड अ डिटेल इवेल्युएशन वॉज डन. सब्सिक्वेंटली सम 2-3 थेरापूटिक सेशन वेर गिवन, एंड देन फिर बाद में दैट केस वॉज क्लोज्ड. सो आई हैव गिवन यू अ वेरी लाइव एग्जाम्पल विच कैन हैपन विद एनी ऑफ अस. देयर आर मेनी टीचर्स हियर, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज गोइंग डाउन, इम्पल्सिविटी बढ़ रहा है, ऑल दिस इज अ बिगर पैंडेमिक देन कोरोना नाउ. सो वी आर डीलिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट कलीग्स नाउ एंड देन, वी हैव टू फॉलो द सेम अप्रोच, सेम वे,
ताकि लीगली हम भी सेफ रहे एंड ज्यादा से ज्यादा जान हम बचा सके। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और जो एक्चुअल हार्मफुल बिहेवियर है टीनेजर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इनको डिफरेंशिएट करें कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए कह रहा है क्या वो केवल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या वाकई वो सुसाइड करने जा रहा है। ओके सो अगेन द एज आई हैव सेड आई हैव गिवन इट इन ये दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं स्टूडेंट्स भी हमेशा पूछते हैं एमडी स्टूडेंट्स की सर ये तो पैरा सुसाइड है ये थ्रेट है। एक बार आई विल गिव वन एग्जाम्पल अगेन कि डाइजेपाम नाम की एक नींद की दवाई आती है जो 5 मिलीग्राम जिसका लीथल डोज एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। सो एक बार एक एमडी करने वाली किसी और ब्रांच में एमडी करने वाली मेरी कलीग थी देर वेर लॉट ऑफ स्ट्रेसर शी वॉज डिप्रेस एंड शी टू 5 मिलीग्राम ऑफ डाइजेपाम। सो इन द सुसाइडल अटेम्प्ट डेफिनेटली इंक्वायर्ड एंड लेटर ऑन आई जस्ट आस्क दैट यू आर अ डॉक्टर डू यू नो द लीथल अटेम्प्ट ऑफ डाइजेपाम लीथल डोज ऑफ डाइजेपाम। समझो कोई आम व्यक्ति करता ये 5 मिलीग्राम ऑफ डाइजेपाम तो उसे तो पता नहीं है 5 मिलीग्राम ऑफ डाइजेपाम लेने से आदमी की जान जा सकती है या 25 मिलीग्राम लेने से जा सकती है या 2500 लेने से जा सकती है। सो अगेन द इंक्वायरी द लीथलिटी ऑफ द अटेम्प्ट द इंटेंट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू एंड द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स जो मैंने अभी स्लाइड पे फ्लैश कर रहा हूँ ये अलग अलग फैक्टर्स के तौर पर हमें एक कंप्लीट इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिवली देखे तो हमें ये दोनों के बीच में अंतर नजर आता है। बट नॉनदिलेस इम्पल्सिवली सुसाइड होने दो एज इन द केस ऑफ मूड डिसऑर्डर्स और इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या कंप्लीटेड लीथल अटेम्प्ट रहने दो यू कैन नॉट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू हैव टू टेक इट सीरियसली यू इट वॉरंट्स डिटेल इवैल्यूएशन एंड फर्दर वर्कअप बिकॉज बोथ ऑफ दीज एक्सिस 1 एक्सिस 2 डिसऑर्डर्स आर टू बी ट्रीटेड वंस यू ट्रीट देम the distress associated with it goes down not only for that person but also to the people around him. Okay, अगला जो question है वो ये है कि जब suicide की बात होती है और suicide में एक game जो आया था suicide का Blue Whale game तो ऐसे जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं फिर फ्यूचर में रिपीट होंगे फिर एक कोई ऐसा गेम आएगा तो ऐसे लोग जो इन गेम को खेलने के लिए प्रेरित हुए जिन्होंने सुसाइड किया तो इसके बारे में ऑडियंस जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए और ये लोग क्यों इस तरह के गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू से कि अगेन मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर इन देम एस्पेशली सम साइकोसोशल बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स के नजरिए से हम देखें बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे पूनम जी ने कहा सेरोटोनिन डेफिसिट्स सेरोटोनर्जिक डिसफंक्शंस psychosocial stressors in the form of social adversities, parental discord, marital problems, dysfunctional families and psychological factors jo hai ki lack of coping mechanism and one more factor which adds on to this biopsychosocial which fits more into the biological also is addiction. So gaming hua, Instagram hua, abhi ek boys locker room karke aapne kissa suna hoga jo Delhi mein hua tha. सो ये सब घटना हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में देख रहे हैं द एज ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज गोइंग डाउन द एज ऑफ कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंस इज गोइंग डाउन द एज ऑफ एडिक्शन इज गोइंग डाउन। सो धीरे धीरे ये कम हो रहा है क्योंकि एक एडोलेसेंट जो ब्रेन होता है एक उसमें जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है जो डिसीजन मेकिंग जजमेंट को गवर्न करता है ये ऑलरेडी मैच्योर नहीं है। ये मैच्योर होने के लिए उम्र का 25 साल आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं और ये सब जो सामाजिक बदलाव आ रहा है उसके वजह से मनोसामाजिक और चेंजेस उस व्यक्ति में हो रहे हैं तो वी हैव टू डीले द ओनली वे इज टू डीले द ऑनसेट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एस्टैब्लिशिंग द फैमिली टाइज दीज आर द सर्टन प्रिवेंटिव मेजर्स विच यू कैन डू टू अवॉइड एक्सपोजर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मतलब एक एडोलेसेंट का ब्रेन बायोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट की तरफ से देखने का नजरिया वो एक कॉमनली दिया जाता है एग्जाम्पल के वही आपका और मेरा जो ब्रेन है जो हम अभी 35-40 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमारा एक मारुति 800 का इंजन है जिसका स्पीड ही स्लो है और ब्रेक्स काफी अच्छे हैं। एडोलेसेंट ब्रेन जो है वो एक मर्सिडीज का इंजन है उसके ब्रेक्स पे मतलब वी कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग आवर जजमेंट कैपेसिटीज आर गुड आवर कॉन्सेप्ट्स आर गुड दैट्स व्हाई आवर रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स आर माइल्ड और मैक्सिमम मॉडरेट
बट इन एडोलेसेंट एज ग्रुप ये एरिया मच्योर नहीं होने के कारण एंड एक्सपोजर टू ऑल दिस थिंग्स इज क्वाइट हाई एट दिस एज ग्रुप, जिसे हम नहीं रोक पाते. सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, काफी सारी चीजें हैं. और उसके वजह उसमें मेट्रो सिटीज में आप देखते हैं तो पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम कम है. ये सब की वजह से द इम्पल्सिविटी एंड इज क्वाइट हाई. सो डिलेइंग दैट एक्सपोजर, डिलेइंग इट एंड एस्टेब्लिशिंग द टाइज विद द फैमिली, आई थिंक दिस आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हेल्प. वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन और है जिस पे ये पूछा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट काउंसलिंग सेशन के तुरंत बाद सुसाइड कर लेता है तो क्या काउंसलर के ऊपर कोई लीगल एक्शन आएगा? शुड आई आंसर? यस यस, पूनम जी प्लीज. फिर आप साइकियाट्रिस्ट करके कर दीजिए. यस यस डेफिनेटली. हां, बोथ बोथ, किसी के साथ भी. हां, सो देखिए, अगर उसने अपने काउंसलिंग हेयर रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस तरह से काउंसलर अपना डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का रिकॉर्ड्स रखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने रिकॉर्ड में इमीडिएटली अगर कोई काउंसलर के बाद सुसाइड कर लेता है काउंसलिंग सेशन के बाद, इफ इट इज फाउंड दैट इन अ रिकॉर्ड अ काउंसलर हैज मेंशन्ड दैट द काउंसलर हैड इंटेंट टू रिवील इट टू द पेरेंट्स और द अथॉरिटी, तो लीगली कोई उस पर केस नहीं कर सकता. इमीडिएटली आफ्टर कोई काउंसलिंग सेशन के दौरान पेरेंट्स को फोन करके नहीं बोलेगा देखो आपका बच्चा सुसाइड करने वाला है. अगर उसने अपने पूरे सेशन में ये कहीं रिवील नहीं किया कि ऐसा होने वाला है, तो काउंसलर कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आता है. बट अगर ये होता है कि उसने रिवील किया था और काउंसलर ने डॉक्यूमेंटेशन में इट हैज बीन मेंशन इंटेंट, ठीक है, और बट अगर एक हफ्ते बाद किया है और एक हफ्ते तक काउंसलर ने रिपोर्ट नहीं किया था, then counselor can be legally challenged. Because in case of a child, if it is case of harm to self or others, in both cases you have to break the confidentiality and you have to report to the appropriate authority. I completely agree with Poonam ji. She has given a very appropriate answer, and definitely in safety this is the fifth point which I have mentioned. डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, आपके जो नोट्स है, नॉट ओनली सुसाइड, हर एक व्यक्ति के साथ जो आप काउंसलिंग कर रहे हो उसके नोट्स बनाने की आदत डालिए. नाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बिकमिंग स्ट्रिक्ट. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2019 में एनैक्ट हो गया है, 2017 वाला, वेयर एवरी बडी इज लायबल. सो डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी मेंटेन्ड एंड देर शुड बी नो लैक्यूना फ्रॉम योर साइड. मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अपनी तरीके से पूरी तरह असेसमेंट में प्रोटोकॉल्स रखिए, आपके असेसमेंट फॉर्म्स रेडी रखिए, यू आपके प्रैक्टिस में अलग अलग तरीके के स्केल्स लगाइए और उस व्यक्ति को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये सब लीगल इससे बच सकते हैं. एक क्वेश्चन आया है, इज सुसाइड रिलेटेड टू इम्पल्सिवनेस? यस डेफिनेटली, इम्पल्सिविटी, मूड स्विंग्स एंड सुसाइड आर डेफिनेटली, एज आई मेंशन्ड, इज क्वाइट हाई इन क्लस्टर बी personality disorders, especially the borderline personality disorder. So impulsivity is again, there is a good news that there are certain medications which are suicide protective. आपको ये आश्चर्य होगा कि अरे दवाई देके सुसाइड कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बट द मॉलिक्यूलर टारगेट, देर आर सर्टन एरिया, सर्टन न्यूरोकेमिकल, सर्टन न्यूरल सर्किट विच आर आइडेंटिफाइड विच डील्स विद द इम्पल्सिविटी. सो ये दवाई उस व्यक्ति को अगर सही समय पे मिल जाए या कुछ समय के लिए उसका सही उसका इलाज हो, तो इम्पल्सिविटी कैन बी एड्रेस फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट पर्सपेक्टिव सो फार एज द मेडिकेशन इज कंसर्न. एंड डेफिनेटली देर आर अदर काउंसलिंग टेक्निक्स लाइक डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, एक अच्छा तरीका है टू एड्रेस दिस इशू. हेलो. यस, एक क्वेश्चन है और अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं टाइम बहुत कम है इसलिए इसको लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं. लगभग हमने सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है और मिलते-जुलते क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या सुसाइड को एक तार्किक निर्णय, रैशनल डिसीजन कह सकते हैं? नहीं, आई विल नॉट गो, आई मे बी बायस्ड, आई मे बी जजमेंटल, बट मैं इसे एक रैशनल डिसीजन नहीं कहूंगा. बिकॉज़ एज आई हैव सेड,
there are multiple factors, assessment हो, मतलब ये एक ऐसा question है कि euthanasia को हम rational निर्णय कह सकते हो. बिल्कुल. But देखिए हम, मैं इसे थोड़ा सा अलग नजरिए से भी देखता हूँ. हम जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, हमारी संस्कृति है, वी डेफिनेटली वर्क ऑन कंजर्वेशन, वी डेफिनेटली वर्क ऑन प्रोटेक्टिंग. कोई मतलब मैरिज टूट रहा है तो एज अ, हम एकदम नॉन जजमेंटल नहीं हो पाते, हम उसे पूरी तरह बचाने की कोशिश करते हैं. तो मैं इसका जवाब ना दूंगा कि रैशनल नहीं है. पूरी तरह असेसमेंट हो जाए, पूरी तरह, क्योंकि हर जान जरूरी है. एवरी लाइफ इज प्रेशियस एंड जिंदगी खूबसूरत है, इसे जीना चाहिए. उस व्यक्ति का नजरिया बदला जा सकता. बिल्कुल. तो आज इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं. मैं सभी श्रोतागण, ऑडियंस का थैंक यू कहता हूं कि आपने पेशेंसली हमको सुना और हमने अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी. टाइम बहुत शॉर्ट हो गया. और डॉक्टर चेतन और डॉक्टर पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने अनुभवों से हमारी ऑडियंस को बताया सुसाइड क्या है, कैसे इससे बचना है, कैसे दूसरों को बचाना है, रेफरल्स क्या होना चाहिए, लीगैलिटी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसलर की, साइकेटिस्ट को कब रेफर करना है. तो ये सब मुझे लगता है कि इससे लोगों को एक समझ बड़ी होगी. और हम सब सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप हमें फीडबैक दीजिए हमारे फेसबुक पेज पे, भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन पे हमसे जुड़े रहिए. हम ऐसे वेबिनार, जो हमारे वेबिनार हैं, इनको हम आगे भी करते रहेंगे. हर सप्ताह सुबह 11 बजे हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे. और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. पूरी भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी टीम का भी धन्यवाद, जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये सभी मेंबर्स का एक कलेक्टिव एफर्ट है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाया जाए. तो मैं सभी की तरफ से अपने गेस्ट का और अपने पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर.